सुप्रभातम मित्रों, मैं और ओम भाई आ गए हैं आज जिम में। और इसका रीजन है, रीजन अभी बताता हूँ, दो रीजन है इसके। तो आज से यहाँ पे वर्कआउट शुरू करने वाले हम, और इसको दिखाने के रीजन पहले मैं बता देता हूँ क्या है। हमने फील्ड में जाना शुरू किया था फुटबॉल लेके, और स्टेमिना हमें बहुत ज़्यादा डाउन लगा, तो फिर हमें लगा कि स्टेमिना बढ़ाना चाहिए, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। और इसको दिखाने का रीजन ये है, मतलब दिखाने का मैं मानता नहीं कि ये इधर उधर की वीडियो हर चीज़ दिखानी चाहिए, लेकिन इसको दिखाने का रीजन, पहला रीजन ये है कि अगर मैं आज दिखा देता हूँ तो मैं बाध्य हो जाता हूँ आने के लिए। मतलब हम लोग फिर आएंगे आएंगे, मजबूरी होगी, अगर हम छोड़ते हैं तो बेइज्जती फील होगी बहुत ज़्यादा, तो है ना। तो इसलिए ओम भाई ने बोला कि आज कोई ऐसा कुछ कर दो कि जिससे हमें आना ही पड़े, क्योंकि मैं बताऊँ यहाँ पे जिम में मैं पिछले 2-3 साल में 6-7 बार आ चुका हूँ, 2-3 बार ओम भाई के साथ भी आ चुका हूँ। तो लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन किया, 3-4 दिन किया, 1 हफ्ते किया, और उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं होती, छुट्टी हो जाती। आने का क्या रीज़न है, तो आने का रीज़न हमारा बॉडी बिल्डिंग ना होके, मतलब वो तो एक अदर पार्ट होता ही है सबका, जिम में आने के बाद मन करता ही है, लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है हेल्थ एंड फिटनेस, स्टेमिना बढ़ाना, ये हमारा टारगेट है। और दिखाने का रीज़न मैंने बता ही दिया कि जिससे कि हम बाध्यकारी हो जाएं, बाध्य हो जाएं पूरा, कि अब करना ही करना है, मजबूरी है हमारी, मजबूरी बन जाए अब वर्कआउट करना। तो फुल्ली कमिटमेंट के साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं, कि कोशिश रहेगी, पूरी पूरी कोशिश रहेगी, कम से कम 6 महीने हम वर्कआउट करें और दोबारा से स्टेमिना और थोड़ा सा बढ़ाएं हम। तो फिलहाल हम देखते हैं, दिखाते हैं जिम कहाँ पे हम हैं। तो फिलहाल ये जिम था, और हम अभी वर्कआउट पहला दिन है, और पहले दिन हम कोई वेट नहीं उठाएंगे, पहले दिन हम केवल वार्म अप करेंगे, एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे, हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का वेट मारेंगे, 3-4 दिन मिक्स मारेंगे। और मेरा सभी से यही कहना है कि जो भी लोग, जो भी लड़के जिम जाते हैं, वो 2-3 दिन करके बॉडी इतनी दुख जाती है कि फिर उसके बाद जाते नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से ही वर्कआउट करें। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तो फिलहाल चले हम भाई, तो फिलहाल बाय, ठीक है, थैंक यू।